शलोम, शलोम प्रभु यीशु नासरी के नाम में इन समयों में जब हम एकदम अंतिम अंतिम में हैं और बहुत सी बातें जान रहे हैं बिल्कुल और तैयारी भी कर रहे हैं अपने पवित्र आत्मा के साथ निश्चित कर रहे होंगे आप जो सुन रहे हैं पर मैं अब शुरुआत की बात करना चाहता हूं सुसमाचार की शुरुआत का एक सुंदर पहलू या दृश्य और वहां पर क्या क्या हुआ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने यह हिस्से को क्यों रखे तो इस बात को हम पाएंगे तो हम इस खूबसूरत हिस्से को देखते हैं जो शुरुआत है परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर जो दे दिया कलिसिया को मसीहों को और आज हम उसका परिणाम देखते हैं उसके तमाम साक्ष्य तमाम तथ्य सच्चाइयां प्रमाणित तो प्रेरितों के काम दो से हम शुरू करते हैं दो से पांच तक के बीच के हम कुछ कुछ अंशों को देखेंगे और वो कुछ कुछ अंश शुरुआत है सुसमाचार की शुरुआत है और हर बात में सील लगाती है साइन होता है ताव होता है और आज 2000 साल बाद इस बात के हम सब गवाह हैं तमाम मसीही इन सच्चाइयों के सच मनुष्य इस सच को जानने से वंचित होता है और इसकी सच की पहचान जो करा रहे हैं चेले वो रीति क्या है वो हम देखते हैं तो दो में जो शुरुआत हुआ पवित्र आत्मा का मिलना पैंटिकोस्ट के दिन पचासवे दिन पचासवा दिन पैंटिकोस्ट जो चौथा दिन है और चौथे ही दिन सूरज चांद बने और चौथे दिन से सातवा दिन हमेशा के विश्राम का चौथा दिन है जैसे यहूदी कैलेंडर में थीसरी पहला महीना भी होता है और सातवा महीना भी होता है अगर हम देखें निशान पहला महीना भी होता है और सातवा महीना भी होता है तो पवित्र आत्मा वादा पूरा हुआ प्रविष् स्वर्ग में और ये वादा पूरा हुआ भेजूंगा और उसके बाद के तमाम आश्चर्य कर्म चमत्कार लगातार लगातार इस पृथ्वी पर सभी को आश्चर्य चकित कर रहे हैं अद्भुत रीति से अद्भुत काम जो मनुष्य की सोच से भी परे है कुछ देखे हुए हैं कुछ अनदेखे हैं जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता और सोचता है कि कैसे हो गया यह सब ईश्व प्रभु के नाम में हुआ प्रभु ईश्व मसीह नासरी के नाम में हुआ हम आगे इन बातों को देखते जाएंगे हो सकता है कि कई जगहों पर आ, आपको दोबारा सुनने मिले मेरी बातें पर पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में पूरी तरह से इस बात की छाप लग जाए इस सच्चाई की छाप लग जाए और कहीं भटकना ना पड़े तो लिखा है बड़ी एकाएक एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठहरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे ये घटना घटी जीप मुख्य है जीप के लिए आगे हम सुनेंगे कि वो क्या है और क्यों पवित्र शास्त्र में जीव का उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर जीव पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने की सामर्थ्य जो प्रकट हुई है आग सी आग सी फटती हुई जीवे मतलब वो आग के द्वारा सुसमाचार आग का सुसमाचार सच्चाई का सुसमाचार प्रेम का सुसमाचार बचाने का सुसमाचार नरक में जाने से कि हम बच जाएं यही सब इच्छा के निहित ये पहला वो काम हुआ पवित्र आत्मा का सरे आम सबने जाना उसका प्रमाण हम आगे जैसे जैसे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से पांचवे अध्याय तक पहुंचेंगे कुछ हिस्सों में तो ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ होने के लिए प्रभु यीशु ने दुख उठाए इन शब्दों को याद रखिएगा ये आपको आगे मिलेंगे और यहाँ तक दुख उठाए गैत समी वो जगह है जहाँ जैतून को पत्थर पर पीसा जाता है यीशु प्रभु वहाँ पीस दिए गए निचोड़ दिए गए और अगर इसीलिए कहा गया है वो फत्तर जिस पे गिरेगा उसको पीस डाले वो मसीही हो गैर मसीही हो पर अगर हम पिसना नहीं चाहते हम सोचते हैं कि नहीं दुष्ट ही पिसे और अपने आप को बचाएं तो ये कैसे संभव है कि अशुद्धता और अपवित्रता को लिए हुए हम कैसे दो चित्ते होकर कैसे तो इस बात की सच्चाई को बहुत अच्छे से जानिए और जिस रीति से पत्रस यहाँ पूरी गवाही दे रहा है अगर हम देखें तो इस्तेफनाश की गवाही साथ में आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेगी पर यह शुरुआत है सब चीज़ों की शुरुआत बोलने के लिए सुसमाचार के लिए आगे आप आ, सुनेंगे जिस जब प्रार्थना करी थी सिर्फ आ, दो पद हैं और उसमें हियाओ की मांग की हम सुसमाचार हियाव से सुना सकें क्यों और वो सारी चीज़ों को मांगा गया कि हम चिन्ह और चमत्कारों को दिखा सकें यह हम आगे पढ़ेंगे ये मैं एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ उसकी कि कहीं पर कुछ ऐसा अगर छूटे भी तो आ, किसी तरह से कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा उन बातों को आपके कानों में डालें और ज़्यादा अच्छा है कि इसे सुनने के बाद पव, साथ साथ आप बाइबिल लेके इसे पढ़ के देखिए और नया होइए और नया होइए जब अपना उद्घोषणा कर रहा है पत्रस लोगों के सामने तो वो कितना सुंदर है यहाँ पर कि अंतिम समय में आत्मा उंडेला जाएगा और वो कैसे प्रमाणित हो रहा है कि आत्मा लगातार लगातार जैसे आज पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक का समय है पर लेना नहीं आया उसके लिए बैठना नहीं आया ये सब कुछ होता रहा और एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि सब एक मन एक चित लवलीन होकर प्रार्थना में लगे रहे अगर दो का बयालीस ही पढ़ दूँ मैं और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे ये खास बात हुई बातचीत कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं प्रेरितों प्रे से क्योंकि ये वो शिक्षा नहीं है जो संसार की है फरीसी की है ये पवित्र आत्मा के द्वारा काम किया हुआ तो जो जीवन में जिसके प्रभु यीशु आ गया पत्रस ने बोला ना कि मेरे पास कुछ नहीं है पर अगर तू लेना चाहता है यीशु के नाम में तो मैं देता हूँ अर्थात एक ही बात कि यीशु ही है मेरे जीवन में वचन ही है मेरे जीवन में सच्चाई है मेरे जीवन में वो सब जो प्रभु यीशु ने कहे कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ जीवन की रोटी जीवन का जल जीवन की ज्योति मैं हूँ वो सब है वो हमारे जीवन में आशीषों का कारण बन जाए हम सोचे कि संसार की तमाम दौलतों को इकट्ठा करके हम आशीष का कारण बनेंगे वो छेद लगी थैलियाँ हैं वहाँ कुछ नहीं होगा इतना गंभीर और सच्चाई से छिपा हुआ ये और वो जो मांगा जा रहा है सिर्फ सुसमाचार के लिए मांगा जा रहा है कि हम हिव से सुसमाचार इस सच्चाई का बताएं और सब चीज़ें छोड़ दिए और इसमें आगे आप देखेंगे सब प्रेरितों के चरणों में लाके सब ने अपना सारा कुछ अर्पण कर दिया वो सच्चाइयाँ अद्भुत सच्चाइयाँ, तीन हजार लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं इस सच्चाई से और सारे संसार में ये बात फैल गई कितना अद्भुत है आज सब ने प्रभु ईशु जीसस का नाम सुना है लेते हैं मानते नहीं है कि वो उद्धार करता है नाम लेते हैं वो सबकी श्रेणी में रख देते हैं धर्म और ये तमाम प्रकार की आत्माओं और सैतानियत के द्वारा जो भाग किया गया उसके कारण प्रभु ईश्वर को अलग अलग अपने विचारधारा के अनुसार जैसे उन्होंने शिक्षा पाई है उसके अनुसार रखते हैं जबकि वो उद्धार करता एक लौता और सुसमाचार उसी का है उसके अतिरिक्त संसार में कहीं सुसमाचार नहीं है कोई भी सुसमाचार नहीं है एक भी नहीं है यही है वो पहला ऐसे बहुत सी पहली बातें आप जानते जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सी बातें छूट जाएं, पर मैं निरंतर ये जे पवित्र आत्मा ने ये बातें सामने रखी हैं तो वो ही पूरा कराएंगे मैं निश्चिंत हूँ पर आपको सचेत इसलिए कर देता हूँ कि पवित्र आत्मा जिस दिशा से मुझसे जैसी रीति से करवाते हैं वो हो सकता है कि आपके लिए कहीं कहीं पर अजीब लगे लंबी लगे पर ये वो बहमूल्य वचन जो सामर्थ्य के हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के हैं आप सबके लिए कि हम पहचान जाए कि शुरुआत कितनी शानदार कितनी विश्वास और दृढ़ता से हुई और आज सारी चीजें प्रमाणित हम देखते हैं सब चीजें इसमें आपको बहुत अद्भुत मिलेंगी और दिशा देंगी आखिरी में जब हम जाएंगे पाँचवें पे तो वह हनन्या और सफ़ीरा का मर जाना मर जाना मृत्यु ले आना अपने लिए बचाने की इच्छा रखना उतनी सच्चाई देखने के बाद भी लोगों ने कितनी सच्चाई अपने जीवन में देखने के बाद भी फिर मर जाते हैं इसी तरह मर जाते हैं जैसे हन्ना और सफीरा मरे बचा के रखने की कोशिश छिपा के रखने की कोशिश जब उसके लिए सब कुछ दे दिया है तो फिर सब कुछ क्यों नहीं दिया क्यों बचा के रखा कौन सा लालच बचा के रखा अभिलाषाएँ बचा के रखीं उसी ने मार दिया आप सिर्फ दृष्टि डालेंगे तो वो सोचेंगे जितने में बेचा था वो खेत वो पूरा क्यों नहीं दिया वो बात नहीं है पवित्र आत्मा यहाँ पर हर बात आत्मा की रीति से जो हमें समझाना दिखाना चाह रहे हैं आपको ये पूरे उसमें मिलेगा इससे आगे लगातार लगातार कि किस रीति से पत्रस जवाब देता है अपने जात भाइयों को यहूदियों को फरीसियों को शास्त्रियों को पुर्नियों को कहीं भी मेल नहीं करता वो स्पष्ट स्पष्ट साफ साफ कैसे बोल देता है और आखिरी में लाचारी देखे हैं उनकी कि उसके बाद कैसे द्वार भी खुलना सुसमाचार के लिए फिर स्वर्गदूतों की मदद और सारे काम मैंने एक जगह बोला है एक समय तो ऐसा आएगा कि स्वर्गदूत प्रचार करेगा सुसमाचार का वो कैसा अद्भुत होगा स्वर्ग में सुसमाचार सुनाया जाएगा कल्पना करें हैं सुसमाचार शब्द यहाँ से शुरू हुआ इतना बहमूल्य वो हमारे पूरे अस्तित्व में कौन सी किस तरह से अंकित है किस तरह से उसने छाप छोड़ी है किस तरह से हमने लिया है इस बहमूल्य रोटी को उस लहू को सुसमाचार यही है फसा है सुसमाचार पैंटिकोस्ट है सुसमाचार नरसिंगों का पर्व है सुसमाचार होने का योम किपोर है सुसमाचार हमेशा का डेरा है सुसमाचार यहाँ से शुरू हुआ चेलों के द्वारा शुरू हुआ वो सब जो प्रभु उसके बाद जो ज्ञान की बातें और बहुत सारी बातें जो जानना और समझना चाहते हैं तो मेरे लिए तो इतना काफ़ी कि मैं ईश्व को जानूँ अगर ईश्वर शब्द सुने तो उसे जानूँ उस उसको जानेंगे तो पवित्र शास्त्र कहता है कि हाँ सचमुच में उसकी आज्ञा मानोगे और प्रेम करोगे बहुत सारे ज्ञान की बात से क्या पर ये भेद की बात जो पवित्र आत्मा चाहते हैं इन अंतिम समय में आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा ये जो आपको इसकी व्याख्या मिल रही है अद्भुत ये हम सब के लिए इन अंतिम और कठिन समय में अति कठिन समय में साहस देगी ढाड़स देगी और उन बातों में नहीं उलझेंगे कि महाक्लेश शुरू में होगा प्रिय होगा पोस्ट होगा कब होगा बीच में होगा कैसा होगा नहीं 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 नहीं, नहीं। महाक्लेश में तो आज है हम प्रभु यीशु के सारे अधिकारों और वारिस के बाद इस पृथ्वी पर जो सारा कुछ जो हमारा है स्वर्ग में उसके बाद महाक्लेश में निंदा अपमान तुच्छ जाने जाना ये सारा कुछ हमें देखना पड़ रहा है महाकलेश और क्या होता है एक बेशर्म इंसान के लिए कुछ नहीं है पर जिसके पास है और उसको खो देता है और उसकी समझ मिलती है तो उसके लिए ये वेदना पीड़ा भयानक जबकि हम यीशु के साथ हैं यीशु हमारे साथ है और वो इस समय हमें संभाल रहा है जबकि हमारी गर्दनों पर पूरी इनकी तलवारें रखी हुई हैं कभी भी किसी भी तरह से कभी भी इन बातों के लिए पर क्या है हमारे लिए आनंदित होने की बात है कि हमारी आत्मा बच गई है और यही बता रहा है कि अगर इस सच्चाई से जेलों ने जो शुरुआत की और जिस तरह से इसको ही पूरी सच्चाई से कर लिए और सुन के तो वाकई आप वाकई में सुसमाचार वो तेजो में सुसमाचार सुनाने वाले वो अग्नि में सुसमाचार जिसमें तमाम सामर्थ, जिस तरह से वहां गठित हुआ कोई आश्चर्य नहीं कि वो पहली बार घटित होगा वो लगातार और लगातार यही चाह रहा है कि उसी रीति से वो प्रगटीकरण सारी पृष्ठ पृथ्वी पर उसकी महिमा स्तुति के लिए हो आप तैयार हो ना उसी तरह से जो दो से पाँच तक की तैयारी है और पवित्र आत्मा आपको कराएगा चाहे कोई भी स्थिति में पड़े हों चेले छोड़ के चले गए थे मछली मारने चले गया था पतरस तमाम चीज़ें हो गई थी उसके बावजूद भी वो नहीं छोड़े तो आगे हम धीरे धीरे इसको देखते चले जाएँ और समझते चले जाएँ हो सकता है कि कई चीज़ें बीच बीच में आए पर आप धीरज रख के थोड़े इन बातों को सुन लेना मैं चाहता हूं कि कई बार सुने और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे इसमें ईश्यू के नाम में कि वो सब बातें निकल जाएं जो संसार की हैं भटकाने वाली शिक्षाएं जो हमेशा मैं कहता हूँ निकोलियों की बिलाम की फरीसियों की संसार की जो आकलन है उसमें से डरने की ज़रूरत नहीं है ये सब होना है बड़ा आसान है चिन्ह देखना बहुत आसान है प्रोफेसी आज के समय में सब बातें प्रकट हैं खुलासा है वो मैंने जकरिया पाँच का बता ही दिया कि वो ऐपा लेके सब जगह घूम रहे हैं वो दुष्टता का और फैल रहा है वो सारा कुछ पर मैल भी निकाल दिया जाएगा और उसमें से वो जो शाप पत्र के द्वारा जो मैल का निकाला जाना है उस वो उसमें से एक ये भी है कि सब मैल उतर जाए नए हो जाए कि द्वार में उस भोज में प्रवेश पाए तो आप इन बातों को मैंने चाहा था कि बहुत थोड़े से मैं बोलूं पर बहुत समय लग जाता है और आ, मैं जानता हूँ बहुत कठिनाइयाँ हैं पर ईश्वर के नाम में थोड़ा सा धीरज रख के इन सारी बातों को सुनिए जानिए पहचानिए अपना अपने परिवार का परमेश्वर के राज के लिए उसको प्रसन्न करने का कार्य इन्हीं सब बातों से पूर्ण होगा ये शुरुआत है देखिए जीव के लिए जो अति महत्वपूर्ण है हर जगह पर पवित्र शास्त्र में सचेत किया गया है जीव के लिए मुंह के लिए क्योंकि जीव लपलपाती है बहुत है ना उत्सुक रहती है बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी से बोलने के लिए बिना सोचे विचारे बोलने के लिए ये सब चीज़ें पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं उस बात पर जिसमें ये सब चीज़ें हैं और बहुत कुछ इसमें आप पा जाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये आप पाएँ और ये आपको मिलना है और उसकी समझ की आवश्यकता है वो तो बहुत सारी चीज़ों का निराकरण हो जाएगा जिसमें संशय है दुविधा है वो निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाएंगे इस सच्चाई के बाद कि उसके बाद चेलों का पूरा काम सारी सृष्टि पर प्रकट है और आज हम उसका उदाहरण है जो 2000 साल पहले घटना घटी और वो क्या प्रार्थना करें वो मैं सुना देता ये एकदम पहली प्रार्थना उसमें क्या बोला जा रहा है प्रत्येक शब्द अति महत्वपूर्ण बेहमूल्य और गंभीर है और उसका प्रमाण लोगों ने देखा वो 120 और पहली ही बार में कैसे 3000 लोगों का उद्धार हुआ और वो बातें प्रकट हुईं जिस पर आज बहुत सारे विवाद आते जाते रहते हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें से अन्य भाषा मानते हैं कुछ लोग उसका इनकार करते हैं अन्य भाषा को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आत्मा की भाषा जो है वो आत्मा के द्वारा स्वरों के द्वारा भी प्रकट होती है और वो अवस्था जो होती है वो हन्ना जैसे होती है बिल्कुल क्योंकि जब ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो मस्तिष्क ग्रहण नहीं करता तो हम उसको अन्य अन्य भाषा का भी नाम दे देते हैं अन्य भाषा आत्मा की वो भाषा है जिसके लिए शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है और अगर शब्द बोले भी जा रहे हैं तो उसका मैं इनकार नहीं करता क्योंकि आत्मा की इच्छा जिसको जिस तरह से कराए पर हर एक के हृदय हृदय में रहता है कि उसकी सुनी जाए और उसके लिए वो अनेकों अनेक तरीके इस्तेमाल करता है मैं दुविधा की वो स्थिति जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं जबकि ये मेरा विषय नहीं था ये आपको बता दूँ हम उसमें जाएंगे क्योंकि वो पहला मुख्य है तो ये समझा दूँ कि इसके कारण बहुत सा विवाद भी पैदा हो रहा है अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं अपने अपने अनुभव बताए जा रहे हैं वो कैसे हैं क्यों हैं ये बिल्कुल नहीं पर ये मान के चलिए कि अगर हम खामोश भी हैं तो आत्मा बात करता है और बाइबल में कहा गया है कि उसके सामने खामोश रह कि मेरा मन प्राण आत्मा क्या चाह रहा है वो सुने और जो वो बोल रहा है वो मैं सुनूँ बड़बड़ाने से नहीं होता बड़बड़ाने से ये समझ में कैसे आएगा क्योंकि हम जो बड़बड़ा रहे हैं हमारा कान सुन रहा है हम उसकी सुनेंगे क्या कैसे सुन पाएंगे बाइबल में स्पष्ट कहा गया है बाइबल पढ़ने के लिए कि तू मुंह खोल के पढ़ कि तेरा कान सुने और तेरा मन हृदय विवेक उसको ग्रहण करे कई लोग चुप होके पढ़ते हैं तो इसका मतलब गलत है इसका निर्णय उन्हें करना चाहिए कि मेरे कान सुने क्योंकि हर जगह कहा गया है कि सुनो और मानो इसके लिए क्षमा इस्तेमाल किया गया कि जो मानोगे तो करोगे ये हिस्सा मैंने इसलिए स्पष्ट इस रख दिया कि ये लपलपाती जीपे आग की तरह और बहुत भयानक वातावरण हुआ लोगों में भय छा गया पवित्र आत्मा का उतरना पेन ड्रॉप साइलेंस कोई नहीं लोग वहाँ पर एकदम जड़त्व की स्थिति में पहुंच गए थे क्योंकि ये घटना अद्वितीय घटना पहली बार अगर इसका महत्व नहीं समझे जो बाइबल में आया कि ये कितना प्रभाव डाली होगी ये सच्ची घटना जिसका प्रमाण आज संसार में पूरे संसार में मसीह को स्वीकार करने की जो गति है निरंतर निरंतर तमाम दबावों के बावजूद भी दुष्ट के तमाम रुकावट के बाद भी आत्मा ग्रहण कर रही है लोग ग्रहण कर रहे हैं कारण कुछ भी हो सकता है पर रास्ता जिसे प्रभु जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया तो अब हम प्रार्थना की तरफ जाते हैं ये आपके पूरे अस्तित्व में ध्यान में रहे कि हमें विवादों में नहीं फंसना है क्योंकि बाइबल में एक बात जो कही गई है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ कोई कोई अपने आप को पॉलुस का कहते हैं कोई कोई अपोलुस का बाढ़ दिए गए मनुष्यों के द्वारा मत बटो आप प्रभु ईश्व की भेड़ हैं किसी मनुष्य की भेड़ नहीं है जो आपको सिखा रहा समझा रहा है वो भी भेड़ है मैं भी एक भेड़ हूँ तमाम लोग भेड़ हैं पर अधिकार जो दिया गया है अगर अधिकारी है वारिस है तो वो वैसा काम करेगा आत्मा इसको भी प्रकट कर देगा और आत्मा को परखो ये लिखा हुआ है तो विवादों में शंका में जाने से ज़्यादा भला है कि प्रभु के चरणों में रहकर उसकी उपस्थिति में रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा जाने समझें और उन बातों के लिए प्रार्थना करें ना कि विवाद का कोई विषय खड़ा करें क्योंकि इन समयों में और भी ज़्यादा भयानक स्थिति आने वाली है पर अब हम शुरुआत का देख रहे हैं और प्रार्थना क्या जो बहुत मुख्य है उस हिस्से को पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे यहाँ की ये शुरुआत है मतलब सब चीज़ें बेशकीमती हैं यहाँ से शुरुआत हो रही है और महायाजक अनुग्रह के सियासन पर बैठा है जो जिसके पूरे वादे हमारे साथ हो गए जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है तो अब हम इस हिस्से के तरफ ध्यान देते हैं मैंने थोड़ा सा सार बताया कि पवित्र आत्मा पाए और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया और उसके लिए पत्रस के साथ जो कदो की फरीसी या यहूदियों ने जो किया और डराने का काम और वहाँ जो जवाब है पत्रस का जो हमारे को प्रेरितों के काम दो में मिलता है यहाँ से वो शुरुआत होती है पवित्र आत्मा मिलने के बाद तो जो जवाब है मैं चार का आठ से पढ़ता हूँ तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा हे लोगों के सरदारों और इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है यदि आज हम में से हाँ हम से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ तो तुम सब और सारे इसराइली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में जिलाया यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें जो लंगड़ा बैठा रहता था उसका चंगा होना और यहाँ वो समझ जो वादा था वो कैसे पूरा हो रहा है इस पूरी बात का ये अगर इसको हम आठ से देख कर बारह तक देखें ये चार पद कितने महत्वपूर्ण हैं कि आज के समय में जो चंगाइयाँ हो रही हैं और पूछताछ की जा रही है और बहुत सारा दुष्ट कर रहा है उस समय ये शुरुआत देखिए शुरुआत और आज के समय में ये बना हुआ है पर सच्चाई यह है कि मृत्यु पर जयवंत हुआ हमारा प्रभु और उद्धार उसी के द्वारा है ये पहली घोषणा ये पहली घोषणा पत्रस के द्वारा यहाँ सारी चीज़ें पहली, पहली पहली पे हम बात कर रहे हैं पहली चंगाई लंगड़ा चालचलन की बात और वो जो पूछताछ की जा रही है और जवाब दिया जा रहा है कि वो ईश मसीह नासरी के नाम में चल रहा फिर रहा है आज के जैसे ये दिमाग में पॉलुस और अपोलुस वाला कि फलाना नहीं नहीं सब प्रभु के चेला होना बहुत कठिन है चेले की जो मर्यादाएं रखी गई हैं या स्केल रखा गया है कि कौन उसका चेला हो सकता है इस संबंध में मैंने बहुत पहले वीडियो किया है कि इतना आसान नहीं है हाँ प्रचार सुसमाचार अधिकार और उन बातों को उसकी बड़ाई और महिमा करना पर सब बातों में परमेश्वर की महिमा हो बहुत सी चीज़ें आज जो हम संसार में देखने पाते हैं वो बहुत सी कमियों के कारण है दुष्टता के सम्मिश्रण के कारण है उससे मिलजुलने के कारण है यहाँ पर सब बातें कितनी साफ साफ कही हैं पुरियों को वो सब जो जानते थे सीधी बात कही है साफ साफ कही है ये आना चाहिए हाँ की हाँ और ना की ना आगे बढ़ती हैं बातें ये जब घटना हुई उसके बाद सबके सामने हुई इतने बड़े बड़े काम हर जगह पर देखे जा रहे हैं हो रहे हैं उतना ही अन्य जाति हुल्लड़ मचा रही है हुल्लड़ मचाने का मतलब क्या आगे देखेंगे ना यहाँ पर लिखा है अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए ये तमाम लोग खड़े हो चुके हैं जो आज राजा कहलाते हैं स्वरूप बदल गया वो राजनैतिक रूप से वो अधिकारी जिनको बनाया गया है सर्वोच्च पदों पर हैं ये विरोधी हैं पर एक बात समझ लो ये कोई भी हो सबकी गति मृत्यु चाहे वो दरिद्र हो मूर्ख हो पागल हो जानवर हो एक ही जैसे हो कोई भी रख के नहीं जाएगा कब्र में कोई लेके नहीं जाता जो जलता भुंसता कुछ भी लेके नहीं जाता यहीं का सारा कुछ है वो सारा कुछ क्यों नष्ट हो जाता है इसीलिए कि संसार और शरीर के द्वारा है ये शुरुआत है इन शुरुआतों को समझ जाओगे तो आज के दृश्य को भली भांति पहचान लोगे और वो पहचान इसीलिए मजबूत हो जाएगी कि जो बात कही गई है जिसे हम अभी सुनेंगे उन प्रार्थनाओं की जो सब ने मिल के की कि वो क्या थी और उसके बाद काम शुरू हुए तो यहाँ तक ये बातें हुई हैं और उनका जवाब पहली बातों का दिया जा रहा है आज भी वैसा ही दिया जाना चाहिए मैं 27 से पढ़ देता हूँ चार सत्ताइस क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया हरोदेश और पैंतीस प्लातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मती से ठहराया था वही करें अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख ये बताया जा रहा है ये सारी जो धमकियां दी जा रही हैं इसको बताया जाना चाहिए कि हाँ ये कैसे कैसे कर रहे हैं कौन कौन से नियम निकाल रहे हैं कौन कौन से क्या क्या कर रहे हैं उनको देख ले ये सब एक मन चित होकर बोल रहे हैं एक चीज़ क्योंकि इन्हें मालूम है ये बटे हुए नहीं हैं अलग अलग और ये बट जाना उन चीज़ों को उस पुल को जो जोड़ा है प्रभु ईश्व ने वहाँ तक पहुँचने से ये पुल को अलग कर देना चाहता है और इसीलिए ये विवाद हैं और लोग एक मन एक चित नहीं हो पाते हैं यहाँ पर कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मती से ठहरा था वही करें अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए ये पहली बात थी जिसके लिए रोका जा रहा है रोका गया कि उस सुसमाचार को जो सिर्फ़ और सिर्फ सारी विश्व में एक है पूरे ब्रह्मांड में अकेला एकलौता सुसमाचार की एक है जो मृत्यु पर जैवंत हुआ पापों के लिए हमारे जीवन में जीवन देने वाला पाप बना कि हम जीवन पाएं, एक ही सुसमाचार है और वो प्रकट है कि वो मृत्यु पर जैवंत खुदावंत, खुदा प्रभु ईशु मसीह नासरी है जिसके नाम से आज भी सारे संसार में काम हो रहे हैं भटकने वाले विवादों में पड़ने वाले प्रभु ईशु को तुच्छ जानने वाले प्रभु ईशु के सेवकों को तुच्छ जानने वाले मसीहों को तुच्छ जानने वाले मसीहों की भेड़ों को जो मसीह की भेड़ है उसको तुच्छ जानने वाले नाना प्रकार के बहुत ही चर्बी चढ़ी आँखों से कड़े माथों से कड़ी गर्दन से जो विरोध दिखाते हैं शरीर का शैतान का उस समय भी ऐसे ही करा जा रहा था वो जो फरीसियों जैसे बड़ी बड़ी पोशाकें पहन के बड़े बड़े सियासनों पर ये शैतान के द्वारा जो व्यू रचना है और उससे प्रभावित होते हैं और ये सब कुछ गैर मसीहों में तो पाया ही जाता मसीहों में भी आ गया ये विवाद की वजह और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी जा रही लोग बोलते हैं जहां पर कड़वाहट के बीच पड़े हैं, यहां पर क्या बोला जा रहा है पहली बात और पहली बात कि वो दिखाई गई उसके बाद भी हम नहीं डरते चाहे तुम कितना ही हुल्लड़ मचाओ, पर हमारा पहला काम होगा सुसमाचार के लिए हिया हो कि सच्चाई के साथ वो बात बोल सकें पतरस तो यहूदी था ना और वो सब यहूदी थे हनन्या वो जितने लोग हन्ना वगैरह और वो पूर्णिया और शास्त्री इकट्ठे हुए थे सब यहूदी थे भाई थे ना पर वहाँ सीधे सीधे वहाँ पर कोई भाई भतीजा वाला चक्कर नहीं था सीधे सीधे यीशु का विरोधी हमारा बैरी परमेश्वर का बैरी है और इसीलिए साफ साफ वो जो उन्होंने करा षड्यंत्र जो आज सारे संसार में शैतान के द्वारा मसीहों के लिए षड्यंत्र करा जा रहा है वैसा ही करा गया पर एक बात बोली गई कि हम इव से उसका सुसमाचार सुना सकें ये कौन बोल सकता है जो उनके साथ मिक्सअप नहीं हुआ है उनके साथ खाना पीना वो पहला भजन सहीता है ना ठट्टा करने वाले ये दुष्टों की युक्ति पे चलने वाले पापियों की मंडली में बैठने वाले ये सब कुछ कौन बैठ रहे हैं जो प्रभु ईश्वर को स्वीकार करें उनके साथ इसलिए हिल मिल गए कि, कि किसी तरह की शारीरिक प्रताड़ना यातना और जेल ना भुगतना पड़े जो प्रतिष्ठा मिली है उसको कायम नहीं रख रहे प्रतिष्ठा पहले से एक राजकुमार की एक वारिस की हमको जो मिली हुई है वो प्रतिष्ठा को हम सोचते हैं कि मनुष्य के द्वारा स्थिर करके रख सकते हैं तो ये कैसा है ये रेत पर घर बनाना है ये वो खूबसूरत हिस्सा है जिससे प्रत्येक और प्रत्येक की आत्मा मजबूत और उसका काम क्या है उसका पहला शब्द है कि हम हियाव से सुसमाचार सुनाए आगे देखिए चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक ईशु के नाम में किए जाएं। ये बीसवा पद ये प्रार्थना करी जा रही है ये बताया जा रहा है कि और भी क्योंकि पहला आश्चर्य कर्म पत्रस ने बोला था मेरे पास तो कुछ नहीं है बस यीशु का नाम है अगर तू चाहता है तो मैं ईशु के नाम में देता हूँ और जिसके जीवन में ईशु का नाम है वही दे सकता है और जिसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या देगा पत्रस उसका ये देखिए शुरुआत बता रहा हूँ एक सेवक की पहचान भी बता रहा हूँ चेले की पहचान बता रहा हूँ और शुरुआत कि कैसा बोलना है पवित्र आत्मा सिखा रहा है ना पवित्र आत्मा सिखा रहा है और पवित्र आत्मा ने सिखा दिए इस बात को जिसे हमें भी सीखना है वचन के द्वारा हमें सीखना है वचन हमसे बात करता है वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है और कहाँ से अलग से आके आपके कान में बताएगा बिल्कुल बता सकता है आप अगर अगर ये देखना चाहते हैं और कल्पना और सारी चीज़ों में देखना चाहते हैं पर योग्य होने के लिए यीशु का लहू मिला है मैं मानता हूँ पर आज्ञाकारी और उस योग्य उसकी पवित्रता में रहने के लिए आज्ञाकारी है क्या शब्द का मैंने बता दिया कि उसमें रहने में परेशानी होती है क्यों दुविधा दुविधा और पवित्र आत्मा इन दुविधाओं को सामने रख रहे हैं कि विवाद कुछ ना हो और मसीह की देह मजबूत हो जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ह्या से सुनाते रहे ये दो बात करी गई है और हमें इसीलिए रखा गया है कि उस सच्चाई को बोले सुसमाचार परमेश्वर के वचन की सच्चाई का प्रकाश और वो सामर्थ जब हमारे ओठों से सच्चाई से निकलती है बनाया हुआ नहीं इधर उधर का नहीं स्टडी किया हुआ किसी की डॉक्ट्रिन नहीं 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 पवित्र आत्मा की डॉक्ट्रिन उस समय जो आपके अंदर हो रहा है क्यों डरते हो किसी कागज पर लिख कर क्यों डर रहे हो क्या पवित्र आत्मा नहीं बताएगा या रेफरेंस भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा या गिर जाओगे पर पवित्र आत्मा के साथ अगर बोलने का हिम्मत करोगे हिवाव करोगे ये बात है कि उसके साथ बोलने की हिम्मत बहुत सी गलतियाँ होंगी उससे क्या होता है क्या बदल जाएगा अगर कोई रेफरेंस मैंने पहले बार बोल दिया कि प्रेरितों के पांच में देखेंगे पर मैं आपको दिखा रहा हूं चार तो क्या बड़ी आपदा आ गई परमेश्वर का बैरी हो गया क्या पवित्र आत्मा जानते हैं क्यों अपने आप को वैचारिक स्तर पर अपना ही विरोधी बना लेते हो पवित्र जो मैं बोल रहा हूँ इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा जितने कान सुन रहे हैं उनके लिए अलग अलग रेवलेशन है मैं जानता हूँ और वो सब भलाई को पैदा करेंगे ये भी जानता हूँ और ये वो तलवार है जिस पर गिरेगी वैसा ही पत्थर है जिस पर गिरेगा यही मत सोचो कि मसीह विरोधियों पर उन पर भी जो परमेश्वर भलाई चाहता है सिर्फ सोठे और लाठी से शांति की बात नहीं है कि वो चाहता है कि पीस डाले हमको उन तमाम चीजों से कि सचमुच में उसके सामने हम न बन के हों वो ज्यादा पिस जाना अच्छा है वो छिलके निकल जाना बहुत जरूरी है यही मत सोचे कि वो गैर मसीहों के लिए है नहीं वो हमारे लिए है क्योंकि वो जो बुराई की जड़ें हर दिन जिसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे से निकल कर उस आग की झील में जाए तो ईश्वर के साथ पतरस ने बोला मेरे पास एक ही है मैं वो ही दे सकता हूं एक ही एक ही एक ही और वाकई में इस पर अनुग्रह मांगना चाहिए उन तमाम सेवकों को जो परमेश्वर के नाम से कल्याण के लिए निकले हैं परमेश्वर की महिमा स्तुति और प्रशंसा के लिए निकले हैं पहले ये काम तो करें और उसके प्रगटीकरण है कि जब वो ऐसा करे तो साक्षी हो गई सामने प्रकट हो गया कि वो सामर्थ जो परमेश्वर की है वो चेले सामर्थी नहीं हुए वो सामर्थ किया गया काम जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी वो हो रही है ये कठिन मत बना इत छोटे से हिस्से को कि मेरे पास सिर्फ ईशु है और उसके अलावा कोई नहीं अगर चाहते हो तो ईशु के नाम में देता हूँ अब तुम लेना चाहते हो तो लो और कल्याण पाओ हर रीति से सब प्रकार से सलोम और सब प्रकार की आशीषों से जो वचन ने अपनी वाचाओं में ठहराई है परिपूर्ण हो और उसकी बाढ़ जो हो आनंद और खुशी से रोते और डरते हुए क्यों डर पे मैंने बोला है अभी आ, वो भी आप सुनेंगे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सुनेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि ये ईशु के नाम में बोल दी गई हैं इसको मिटाया नहीं जा सकता संसार का कोई भी दुष्ट इस पर किसी भी रीति की छाया नहीं डाल सकता ईशु के नाम में हाँ आप लेना चाहते हैं ईशु के नाम में ये दावा करना कि हाँ मैं देता हूं यीशु के नाम में तो वचन की वो सामर्थ्य जिसकी सब कुछ अधीनता में है वो उसके लिए हो जाएगा प्रभु यीशु ने बार बार कहे तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं वह अभी भी यही बोल रहा है पर जब हम दूसरी चीजों पर आधार मानकर उन चीजों को महत्व देते हैं जो हमारी कल्पना या सीखी हुई अवस्था है वहाँ नहीं वो दृष्टि करने वाला शब्दों को नहीं सुन रहा आपकी वो बात को देख रहा है जिससे तैयार हुए हैं आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हैं वो देखा जा रहा है और उसकी भलाई बिल्कुल होगी बिल्कुल होगी बिल्कुल सारी चंगाइयाँ जो डरते हो कि होगा कि नहीं होगा और होगा अगर यशु ही मात्र है उसके अतिरिक्त तो बहुत सारा आसपास का कचरा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता यह है शुरुआत हर एक बात की शुरुआत तो इस तरह से वो आगे बढ़े और फिर उसके बाद वो घटना घटी इसके बाद कि जब ये सारी सामर्थ्य के काम देखे तो सब लोग अपनी सारी चीजें चेलों के चरणों में लाकर रखने लग गए सारी चीजों से धन दौलत पर ही ध्यान जाएगा शारीरिक तरीके से वो अंदर वो मानसिकता विवेक जागृत हो गया और सब कुछ मेरा कुछ नहीं है मैं सब कुछ देता हूँ ईशु को मैं सब कुछ देता हूँ ये वाला स्वभाव यहाँ से शुरू हुआ कि दो तो दिया जाएगा यहाँ से पैदा हुआ कि उसके आगे का देखेंगे ना हनन्या और सफ़ीरा वाला तो उदाहरण जब सारा कुछ देने के लिए रख दिया गया है मैंने अपने मुंह से बोला कि मैं सब कुछ देता हूँ और उसमें से बचाता हूं तो क्या आ गई मृत्यु आ गई वो मरना द्वार पर मरना और ये सारी चीज़ें एक शारीरिक दृष्टिकोण से देखना इसे बंद करके आत्मा क्या कहता है वो जानिए कि जब हम उसमें चोरी करते हैं बचाते हैं कि मुझे इतना देना चाहिए नहीं देना चाहिए आप दो ना दो कोई बात नहीं देने का स्वभाव तो अंदर से आत्मा के द्वारा प्रकट होगा और सब कुछ आप समर्पण करने में सिर्फ धन दौलत की बात है नहीं तमाम चीज़ें आप उसको समर्पित करेंगे कि सिर्फ़ वो ही हमारे जीवन में जीवित हो जाए और यही कार्य हुआ चेलों के द्वारा और ये प्रकट है और मौत कैसे आती है ये हनन्या और सफ़ीरा को आप पढ़ के देख लीजिए तो ये वो विषय था जो शुरुआत का बहमूल्य जहाँ से प्रार्थना की ये छोटी सी दो लाइन कितनी महत्वपूर्ण है अपनी बड़बड़ बड़ और बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए पहले से प्रार्थना करना उचित है ये तो प्रश्न आपको अपने आप से करना चाहिए और डरते क्यों हों क्योंकि ये बताने का मौका तो मिलेगा कि हियाव से सुसमाचार सुनाना क्या है जो भागीदारी कर रहे हैं मनुष्यों के साथ वो सुसमाचार कैसे सुनाएंगे उनके लिए कोई आशा नहीं है जो इस तरह का कर रहे हैं कि यीशु का वो बात पर हम जो प्रभु में स्थिर हैं बाढ़ जो रहे हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर या प्रोफेसी करने वाले अपनी बात बताते जाएंगे कौन कहाँ पर क्या चिन्ह दिखाते जाएंगे देखते रहो सुनते रहो पर ईश्व के साथ उसके राज्य के लिए आपने आत्मा पाई है उसकी महिमा और स्तुति के लिए ईश्व के नाम में मांगेंगे तो वो चिन्ह और वो तमाम चमत्कार आपके द्वारा होंगे उसके लिए अलग से किसी अभिषेक की जरूरत नहीं है वो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य के काम हैं वो सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे आपके जीवन में वो दान जो पवित्र आत्मा के हैं वो प्रेरित करेंगे सब कुछ समर्पित करने के लिए दान किस लिए होता है देने के लिए और एक जगह कहा गया है वो भी ले ली लिया जाएगा जो तेरा है किन के लिए कहा गया है जिसने ये सोच लिया कि ये मेरा है और मैंने भजन संहिता पचास पढ़ लेना इस बात का आ, मिलेगा बहुत खूबसूरत हैं वचन हमको धन्यवाद करना चाहिए उसकी महिमा और बड़ाई ये सब बातें उसके लिए हैं तो हियाव का सुसमाचार जिसको तेजो में सुसमाचार अग्नि का सुसमाचार ये सब कहते हैं वो ईश्व के साथ है हमारे बनाए हुए शब्द के मायाजाल या आडंबर या उसकी अतिशयोक्ति के द्वारा नहीं है ये बोला जो जा आ रहा है उसकी सामर्थ्य के द्वारा उसके प्रकाश के द्वारा उसके अभिषेक के द्वारा है और ये ग्रहण करेगा जो स्वीकार करेगा वो उसको रिसीव करेगा और उसकी महिमा के लिए होगा और ये सब चीज़ें आत्मा के द्वारा होंगी और बदल जाएगा वो सब पिछली बातें जाती रहेंगी चाहे वो किसी तरह की कमजोरी हो रुकावट हो और ये बात से क्यों हम प्रभावित हों शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो आत्मा प्रभावित होगी क्या उससे प्रार्थना करने में रुकावट होगी आत्मा को बिल्कुल नहीं हाँ शरीर को रुकावट होगी जो शरीर से प्रार्थना करते हैं पर यहाँ जवाब देना आ जाएगा ये खूबसूरत हिस्से को पवित्र आत्मा आगे और भी ले जाएंगे तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को जानेंगे समझेंगे और उसी की महिमा और स्तुति के लिए करेंगे संसार को मत देखो कि उसमें क्या क्या है वो सब बातें वैसी ही आएंगी और उनको कैसे चेलों ने फेस किया प्रभु यीशु ने कैसे जवाब दिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है उन तमाम बातों का जवाब दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि हम जवाब भी दें जवाब देने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा है अगर आप खामोश होंगे तो जवाब देने के लिए वो फत्तर निकल आएंगे मैंने बताया ना वो पीसने वाला वो ये बातें चाहे वो मसीही हों गैर मसीही हों सब के लिए तलवार है वो आर पार छेदेगा उन बातों को और तैयार करेगा क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसका पुत्र चाहता है कि सब कोई बचें ये वचन की सच्चाई है और ये आमीन के साथ है तो आनंदित ये, कि ये बहमूल्य वचन हमें पढ़ने को मिले हमारे हाथ में वो बाइबल है हम पढ़ सकते हैं और इसको समझने की प्रेरणा यीशु के नाम में इसके अतिरिक्त यह आपके मन प्राण आत्मा में स्थिर हो जाए कि वो शक्ति जो पाए आप कि सचमुच में प्रेम आपके जीवन से प्रकट होने लगे और परमेश्वर की बड़ाई हो और यीशु के नाम में ये सब कोई हम चाहते हैं और ये आमीन है